हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज सुनील। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं, साथ में हिंदी का प्रैक्टिस करते हैं, जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है सो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीवी जो थी सो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला जो है से बिहार राज्य से संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है से गोदावरी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी चोटियाँ वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बर्फ से जो ढकी हुई है वो एकमात्र श्रृंखला जो पर्वत है वो हिमालय है। अर्थशास्त्र से संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? तो यूएनडीपी का अर्थ जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे से संबंधित है? तो जो 74वां 74th संशोधन जो था सो पूछ रहा है कि 1992 में जो संबंधित है, 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो जो संबंधित से नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पूछे तो मौलिक अधिकार 6 को निर्धारित किया गया है, और मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11 को निर्धारित किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है और मूल अधिकार की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो महाधिवक्ता जो पद जो बना रहता है वो राज्यपाल राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल जब चाहे तब उसको हटा सकते हैं, और राज्यपाल जितना दिन चाहे उसका पद जो से बना रख सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो थी सो 1954 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजनीत है? तो राजस्थान का जो राजनीत जो है सो घूमर है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है सो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है सो हॉकी खेल में दिया जाता है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी मिलती है
तब गंगा नदी का निर्माण होती है, तो देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को मिलने से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजेन ने किया था। अब हम लोग GK GS कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे।